हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ये साहब कैंप टाइम पे। तो बच्चों, हम लोग गेट मॉक टेस्ट 3 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अजय सर पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बाकी जितना भी बचा है वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है जनरल एप्टीट्यूड का, इनहेलिंग द स्मोक। इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम अ बर्निंग डैश कुड डैश यू क्विकली। तो टायर टीयर इसमें है, तो आप अगर अलग अलग से शब्द सुन रहे होंगे तो एक है टायर, एक ये वाला टायर है और एक ये वाला टीयर है ना। ये टायर जो हमारा बाइसिकल टायर होता है उसकी बात, ये सॉरी, ये वाला जो टायर होता है ये थकने को बोलते हैं। दैट वी हम जब थक जाते हैं तो उसे टायर, ये वाला जो टायर है ये बाइसिकल टायर जो होता है, बाइसिकल का या मोटरसाइकिल का वो वाला टायर है ना। और ये वाला जो टीयर होता है, ये टीयर जैसे AC 3 टीयर जिसमें 3 सीट्स होती हैं, तो ये सीट्स को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। सेकेंड टीयर, फर्स्ट टीयर, मतलब वो उस टाइप का, तो वो उस टीयर को करता है। तो ये तो यहाँ पे यूज होगा नहीं। बर्निंग, बर्न कौन करता है इसमें से? टायर, ये वाला टायर बर्न करता है, और जिसको आप इनहेल करने से क्या हो सकते हो, थक सकते हो। तो पहले ये वाला टायर आएगा, देन ये वाला टायर, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा, क्लियर। और इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ क्यूबिकल शेप। ठीक, एक क्यूबिकल शेप में ये बॉक्स रहेगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि बॉक्स इसको एनक्लोज कर सके? यस, मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, राइट? तो मिनिमम वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको पता है जो बॉक्स होता है, अगर कोई भी वो होगा, अगर इसके अंदर मैं ऐसे स्पीयर बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे अगर मैं ऐसे स्पीयर बनाऊंगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 2R होगा, आया ना। तो बाकी आगे जो है वो सब तो ठीक है, मतलब ये क्यूब बन जाएगा, दैट इज ओके, ठीक है ना। तो वो पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर आना चाहिए, तो जिसमें मतलब जो एक एज लेंथ है, एज लेंथ, तो मिनिमम एज लेंथ जो अगर उसको रखना है, तो मिनिमम एज लेंथ आपको चाहिए होगी 2R। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब को आप 2R का होल क्यूब कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 8R³। तो आंसर आ जाएगा 8R³। चलेगा बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। तो अच्छा, एक काफी बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ स्टोरेज टैंक फुल विद वाटर इन 10 एंड 6 मिनट्स। तो पाइप पी जो है वो 10 मिनट्स में भरेगा, पाइप क्यू जो है वो 6 मिनट्स में भरेगा रिस्पेक्टिवली। आर आर वो प्लस करने के काम, मतलब वो पानी निकालता है, आर जो निकालता है 34 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में 34 लीटर्स निकालता है, और क्यू और आर चल रहे हैं, क्यू और आर चल रहे हैं, ठीक। पी पी क्यू एंड आर सारे एक कांस्टेंट रेट पे चल रहे हैं। इफ इट टेक्स 1 आवर टू कंप्लीटली एम्प्टी अ फुल स्टोरेज टैंक, तो अगर ये व्हाइल द पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी, स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है, क्लियर। वो ये कह रहा है कि पी क्यू ये स्टोर, ये वो उसको भर रहे हैं, और आर जो है, आर वो उसको निकाल रहा है, और उसको निकालते हुए ये 1 मिनट में 34 लीटर्स निकाल लेता है, राइट। और ये 10 मिनट में पूरा भरते हैं, ये 6 मिनट में पूरा भरता है, यानी इसकी जो स्पीड होगी वो ये जो है ये 6/10 टाइम्स है इसके, है ना। और वो 34 लीटर्स निकाल रहा है 1 मिनट में, और वो निकालने के बाद कितने, मतलब अगर 1 घंटे में ये तीनों जब ऑपरेट करते हैं, तीनों जब ऑपरेट करते हैं, क्लियर है, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में वो सारा का सारा पानी निकल जाता है। तो आपको ये बताना है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी कि
वो करते हुए ये काम बन जाए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका हम आंसर मतलब मैंने बना रखा है, तो फिर मैं वहीं से लगा देता हूँ। ठीक, ये देखिए, चलिए देखिए, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पे ऐसे बोला गया है, लेट्स दी स्टोरेज कैपेसिटी, लेट्स दी स्टोरेज कैपेसिटी, लेट्स दी स्टोरेज कैपेसिटी टैंक इज एक्स लीटर, मतलब वो मैंने एक्स बोल दिया, स्टोरेज कैपेसिटी है एक्स लीटर। ठीक, तो अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉन बाय 1 आर पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में वाटर कितना ड्रॉ होगा, तो एक्स बाय 60, मतलब एक्स बाय 6 प्लस एक्स बाय 10। तो हमने ये देखा था कि ये जो एक्स लीटर है, ये जो पानी है, ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो वो पूछ रहा है कि इसकी वजह से, सिर्फ आर की, ओनली बाय पाइप आर, 1 मिनट में कितना पानी निकाल पाएगा। क्लियर है, तो ये पानी निकाल पाएगा एक्स बाय 60, मतलब मान लो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक्स है, तो अगर 1 घंटे में वो भर रहा था, तो 60 ये प्लस, इधर से ये भी भर रहा होगा भाई, इधर से ये भी भर रहा होगा, तो एक्स बाय 6, क्योंकि वो 6 मिनट में भर देता है, एक 10 मिनट में भर रहा है, तो 10 मिनट में अगर वो एक्स भर दे रहा है, अगर 10 मिनट में एक्स भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, जल्दी बताइए, 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, जल्दी बताइए, पूरा वो भर रहा होगा एक्स बाय 10। अगर वो 6 मिनट में पूरा एक्स भर देता है, क्लियर, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा भाई, वो एक्स बाय 6, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। प्लस प्लस अब जो आर है, आर वो पानी निकाल भी रहा है भाई, ये तो भरा इन लोगों ने, ये तो भरा, ठीक, तो वो पहले से भरा भी हुआ था, और पहले से जो भरा हुआ था उसको हमने एक्स बाय 60 ले लिया, क्योंकि उसको 1 घंटे में पूरा खाली कर दिया है ना। तो 1 घंटे में पूरा खाली करने के लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट में कितना खाली किया होगा भाई, एक्स बाय 60, तो टोटल मिला के हमारा आ जाता है 17x/60। तो जब 17x/60 आ जाता है, तो आप इसको कैसे लिख लेते हो, तो आप इसको ऐसे देखिए प्लीज, ये देखिए, ठीक है, तो आपने उसको फिर x से ही डिवाइड कर दिया, मतलब आपने क्या बोला, आपने बोला कि आर को कितना समय लगा, आर को, आर ने वाटर कितना विड्रॉ किया, तो उसने पीछे लिखा हुआ देखिए, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय आर टू ड्रॉ अ स्टोरेज टैंक, तो आर को कितना टाइम लगता है भाई, एक स्टोरेज टैंक में आर को कितना टाइम लगता है, तो कहता है वो एक्स डिवाइडेड बाय जितना वहां से भरा हुआ है, ये फिल्ड है ना, तो उसने एक्स को ही, और ये जो आपका आया था टोटल फिल्ड है, और आपने अभी कितना भरा था एक्स, तो मतलब वो कह रहा है कि उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो वो कह रहा है उसने एक्स को खाली करने में इतना लिया, डिवाइड बाय जितना उन लोगों ने भरा, उन लोगों ने कितना भरा, 17x बाय, यानी 16/70 मिनट लगते हैं उसको, उसको कितना समय लगता है, 60/70 मिनट, आर को टोटल टाइम कितना लग रहा है, 60/70 मिनट टू कंप्लीटली विड्रॉ वाटर फ्रॉम द टैंक, वाटर से विड्रॉ करने में कितना समय लगेगा, 60/70 मिनट। अब वो 1 मिनट में कितना टैंक, 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 34 लीटर, तो इतनी देर में कितना पानी भर लेगा, 120 लीटर, तो इसीलिए इसका आंसर 120 लीटर आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है इसके ऊपर है, ये बोला है, सिक्स पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल में है, वो किसमें है,
सर्कुलर टेबल, एक ऐसे सर्कुलर टेबल बना लिया, बना लिया। चलिए अब आप ये बताइए, पी सिट्स नेक्स्ट टू एस एंड टी, तो यहां पे पी हो जाएगा, यहां पे एस हो जाएगा, यहां पे टी हो जाएगा। पी सिट्स नेक्स्ट टू एक्स एंड टी, क्यू सिट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू पी, तो क्यू यहां कहीं होगा क्योंकि वो ऑपोजिट बैठ रहा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड, एस एंड आर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट, एस और आर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इक्वल टू टी एंड यू। तो ये भी हो सकता है और ये भी, ऐसे इधर भी आ सकते हैं, तो वो उससे मुझे लगता है ना। तो ये पूछा क्यू किसका नेबर है, तो क्यू यू एंड आर का नेबर है, खत्म। ये ऐसे भी हो सकता था या ये इधर उधर भी हो सकते थे, बस ये पूछा क्यू किसका नेबर है, तो आंसर है यू एंड आर, खत्म। क्लियर है, आया ना? ये ऐसे भी आ सकता था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ये कहीं भी आ सकते थे यू आर ऐसे, पर उससे आंसर फिर भी नहीं बदलता। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बिल्डिंग है सेवरल रूम्स एंड डोर्स एज शोन इन द टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग। ये देखिए, ये दिखाया है सेवरल रूम्स है और सेवरल डोर्स है। द डोर्स आर क्लोज्ड इनिशियली, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स दैट नीड टू बी ओपन इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम द पॉइंट पी टू क्यू। अगर आपको पी से क्यू जाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स कितने होंगे बताइए। 4, 3, 2, क्योंकि टोटल डोर्स चार है, तो 4, 3, 2, 1, चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप प्लीज इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए तो ये P है, अगर ये डोर्स है Q तक जाना है, एक दो तीन, ये दोनों खोल के आप चले जाए, एक दो ये एक्चुअली ये बंद है सब, ऐसा मत सोचिएगा कि ये लगे हुए हैं, ऐसे ये सब बंद है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स, मान लो मैं पहले इधर से गया, दूसरा इधर से गया, इधर गया, ये बंद हो जाएगा, नहीं जा सकता। तो पहला इधर से जाऊंगा, सही, एक सेकेंड, ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पहला यहां से चला गया, पहला ये चला गया, दूसरा ये यहां से ऐसे अंदर घुस गया, इधर से घुस के इधर से ऐसे ऐसे पहुंच गया, तो दो, तो ये दो में काम चल गया। मैं अगर यहां से इधर गया, 1, 2, 2 के बाद 3, 3, 3 क्यों खोलूंगा भाई, मुझे मिनिमम चाहिए, तो आंसर 2 आ जाए। क्लियर है, तो ये वाला रास्ता अपनाऊंगा, यहां से ऐसे खोल के ऐसे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है, राइस अ वर्सेटाइल एंड इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ डाइट वर्ल्ड वाइड। क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर पोजेस अ थ्रेट टू सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ राइस। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग ग्रीन सुपर राइस, GSR। हाँ भाई, इसका खूब नाम चल रहा है आजकल, ग्रीन सुपर राइस, विच इज रेजिलियंट अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, येट गिव्स हायर यील्ड सस्टेनेबली।
Which one of the following is the correct logical inference based on the information given? The GSR is an alternative to regular rice, but it only grows in an extreme weather. It grows nahi. GSR may be used in future response to adverse effect of climate. ये बी सही है. GSR grows in an extreme weather, but the quantity of produce is lesser than regular. Regular rice will continue to provide good yields even in extreme weather. Now, B part say GSR may be used in future to response to adverse effects of climate change. Yes, next. A game consists of spinning an arrow around a stationary disc as shown below. When the arrow comes to the rest, there are eight equals likely outcomes. 8 aa sakti. Two such discs are used in a game where it arrows are independently spun. What is the probability that sum of the numbers on the resulting sectors upon spinning the two discs is equals to 8 after the arrow comes to rest? So inka 8 kaise kaise aa sakta hai, dekho 8 sum kaise aa sakta hai. To 1 7 2 6 4 sorry 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 इसकी भी कितनी है 1/8 तो 1/8 × 1/8 इज 1/64 तो 7/64 आ गई क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/64 इसकी भी 1/64 इसकी भी और ये सारी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग आ सकती हैं तो इन सबको ऐड कर दीजिए 7/64 क्लियर है कि नहीं ये आंसर आ जाएगा यस आसान था है ना वेरी सिंपल नेक्स्ट तो बोल रहा है कंसीडर द इनइक्वालिटीज 3p-q इज लेस देन 4 3p-q इज लेस देन 4 और 3q-p is less than 12. तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 3p-2 2p हो जाएगा -q + q -2q less than 16 आ जाएगा p-q less than 8 आ जाएगा क्लियर है कोई ऑप्शन p+q सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना p+q less than 8 पहला ही ऑप्शन सो सिंपल है ना चलिए नाइन्थ क्वेश्चन गिवन बिलो आर द थ्री स्टेटमेंट्स एंड फोर कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑन सम इंजीनियर्स आर राइटर नो राइटर इज एन एक्टर ठीक है ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स गजब सारे एक्टर इंजीनियर्स है ठीक तो जैसे इंजीनियर के दो हिस्से हो गए ये इंजीनियर थे है ना तो ये राइटर्स हो गए ठीक ना ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं इंजीनियर्स हैं तो ये एक्टर हो गए क्लियर है ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर सम इंजीनियर्स आर राइटर्स और ये भी बोल दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन क्या है कंक्लूजन सम राइटर्स आर इंजीनियर्स करेक्ट है कंक्लूजन वन सही है ना भाई कुछ राइटर्स इंजीनियर हैं सही है करेक्ट ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर्स क्या ऑल इंजीनियर्स एक्टर्स हैं ना भाई ना गलत है नो एक्टर इज अ राइटर ये बात तो सही है ना जितने एक्टर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं नो राइटर इज एन एक्टर और भाई से सब भी ट्रू होगा ना और कोई भी एक्टर भी राइटर नहीं होगा फिर है ना तो ये भी करेक्ट है सम एक्टर्स आर राइटर ये गलत है तो आंसर आ जाएगा कंक्लूजन वन एंड थ्री का कोई ऑप्शन है सी ऑप्शन यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए टेंथ क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पीसेस कैन बी अश्योर्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद सिंगल राउंड होल नियर दी सेंटर सिंगल राउंड होल आएगा नियर सेंटर
देखें जरा भाई, ये देखो सेंटर पे एक होल चाहिए, तो ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो सेंटर नहीं बनेगा, ये तो कोना बनेगा, ये तो गलत हो गया। ये वाला सेंटर में हो सकता है, ये वाला सेंटर में हो सकता है, यहाँ पे सेंटर में कोई होल नहीं है, तो ये दोनों में से एक आंसर है। अब इनको बैठाना है, स्केयर बनाना है। स्केयर कैसे बनेगा? हाँ देखिए, ये यहाँ बैठ जाएगा और ये यहाँ। हाँ देखिए, ये इसके साथ आ जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, और बीच में ये सेंटर खाली रह जाएगा, यहाँ पे ये दोनों, जैसे यहाँ पे जो होगा ये सेंटर, तो आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, है ना? और ये सेट नहीं बैठ रहा, कैसे सेट बैठा हो इसे? ठीक है, तो आंसर ये नहीं, ये बैठ जाएगा, पूरा स्केयर भी बनेगा और सेंटर पे भी बनेगा। चलिए आइए अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। हाँ इनऑर्गेनिक पे क्वेश्चन है, द ब्रॉन्ज कलर्ड द ब्रॉन्ज कलर ग्रेप पोटेशियम ग्रेफाइट विच इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग पोटेशियम ओवर ग्रेफाइट पाउडर इज। बच्चा ये इंटरकेलेशन कंपाउंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि के प्लस और सी एट माइनस होता है, तो यहाँ पे इंटरकेलेशन कंपाउंड बनता है। बहुत जाना माना केस है जहां पे आप ग्रेफाइट को पोटेशियम से रिएक्ट करते हो, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, इंटरकेलेशन कंपाउंड, और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, झट से दे देगा, ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका तो पक्का ए है। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन है, अमंग द मॉलिक्यूल विच हैज द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कॉन्स्टेंट, मॉलिक्यूल विच हैज द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कॉन्स्टेंट, तो बी आपको पता है एच कट स्केयर अपॉन टू आई होता है, तो जिसका आई जो होगा वो होगा म्यू आर स्केयर, तो आर इज, आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है, आई की वैल्यू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होती है, तो सिंपल सी बात है, तो आर बढ़ेगा बी कम होगा, तो स्मॉलेस्ट सी एस एच का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ है ना? चलिए, कूलोमेट्री रेफर्स टू, हाँ कूलोमेट्री से क्वेश्चन है, कूलोमेट्री रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनालाइट यूजिंग फैराडेज लॉ व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स एट 100%, तो ये कूलोमेट्री के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि 100% करंट एफिशिएंसी चाहिए। करेक्ट है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी एनालाइट यूजिंग हाफ वेव पोटेंशियल, नहीं भाई ये पोटेंशियोमेट्री में, सॉरी पोटेंशियोमेट्री बोल रहा हूँ, वो पोलेरोग्राफी में, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग हाफ वे पोटेंशियल, पोलेरोग्राफी, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, तो वो तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, कूलोमेट्री से उसका बोल जाता है, कूलोमेट्री ये होता है क्वांटिटी ऑफ एनालाइट यूजिंग फैराडेज लॉ, ठीक, और 100% क्या करंट एफिशिएंसी होनी चाहिए, वरना ये ओवर एस्टिमेट कर जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जनरली हमें वेलिनोमाइसिन के बारे में तो पता होता है पर हम ये गलती कर जाते हैं। वेलिनोमाइसिन क्या है? ए साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है, के प्लस को तो बाइंड करेगा, तो सीएल माइनस वाले कट गए, ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है? आंसर है साइक्लिक, कोई भी चीज ये बाइंड ही तभी कर पाता है क्योंकि साइक्लिक ऐसे करके पेप्टाइड बना लेता है के पॉजिटिव यहाँ, ठीक, तो आंसर इसका बी आएगा, साइक्लिक है, याद रखिएगा साइक्लिक है, साइक्लिक होता है, ए साइक्लिक नहीं होता है। नेक्स्ट, सिंगल इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशन, सिंगल इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ S6 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? C6 3 into σH, C6 3 हो जाएगा C2 1 into σH, यानी S2 हो जाता है, S2 का मतलब I होता है, तो आंसर I आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो सिंपल, ये मैंने बोला है, हमेशा बोलता हूं, आज भी बोला, याद कर लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स की इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें जो है ये याद कर लीजिए, इसका जो आंसर है ना बच्चों, वो ये बी, इसको याद कर लीजिए कि आपकी क्या होती है, ये इक्वेशन होती है पी आर प्लस 3 VR² 8 TR 3 VR-1, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहेंगे तो 3/8 भी हो जाता है ये,
मतलब वो एट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। जिंक रॉड, जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलर, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट। अज्यूम दैट द सॉल्ट इज 60%, 95% एट दिस डाइल्यूशन। ई नॉट ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ई की वैल्यू निकालनी है ना। ई नॉट माइनस, तो जिंक सल्फेट है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SnO4 2 माइनस। यहाँ 0.1 मोलार था, तो 0.1 × 0.95, जीरो पॉइंट जीरो नाइन। तो ये जो जब टूटेगा तो ये बन जाएगा 0.095 मोलार, है ना, और इसका जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट सेट है। ये वाली रिएक्शन लिखी जाती है, तो इसमें ये लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव पहले आता है, तो E इज इक्वल्स टू -0.76 -0.0591 टू लॉग 0.09। क्या वैल्यू आ गई? लॉग इनटू -0.76 -0.99, ये आ गया -0.79, है ना। ये वैल्यू डालते हैं आंसर ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिंक टू पॉजिटिव कितना होता है। तो भाई जब जिंक सल्फेट को घोलोगे तभी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल करोगे। जिंक सल्फेट से पहले कितना जिंक टू पॉजिटिव आया, तो 0.1 मोलार था उसका, 95% यानी 0.95, है ना। तो वो वहां से मैंने पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव निकाली, फिर मैंने आगे काम किया। चलेगा चलेगा बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कंसिडरली रिलेटिवली वीक एसिड PKa की वैल्यू है, एक एसिड है PKa, मतलब pH की जो फॉर्मूला होता है PKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हैंडरसन इक्वेशन होती है ना। एसिड बेस रेशियो पूछा है, एसिड बेस यानी एसिड सॉल्ट वही। तो ये 4.18 है -3.90 है, जीरो पॉइंट टू एट 10 की पावर, 0.28, 10 की पावर, तो एसिड अपॉन सॉल्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है 10 की पावर -0.2। बफर के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं।
0.52. पीके 3.90 है, अच्छा 4.12 है, 2.2 हो गया ना, 2.2. जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू फाइव फाइव क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 0.60255 यानी डी करेक्ट. नेक्स्ट इसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है AgBr का, ठीक. तो आपको पता ही है जैसे AgBr का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, यानी इस रिएक्शन का. K की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर एनी नॉट डिवाइडेड बाय 0.0591, 225 डिग्री सेल्सियस है ना. अब E नॉट कैसे निकलेगा इस सेल का, इस सेल का E नॉट निकलता है पहले Ag प्लस, हमें राइट साइड चाहिए तो पहले तो AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस Br माइनस, फिर Ag पॉजिटिव सॉरी Ag प्लस Br माइनस, देन Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रिएक्शन मिल जाएगा. तो E नॉट सेल मिलता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी 0.071 माइनस, और इसका इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.0799 कितना आ गया, 0.071 इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया, कितना हो गया माइनस ऑफ 0.71 घटा दीजिए 79 में, 728 ये वैल्यू आ गई. K की वैल्यू, N की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है, 10 रेज टू पावर माइनस 0.728 डिवाइडेड बाय 0.0591 करिए, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए. डिवाइडेड बाय 0.05991 की पावर कर लीजिए एंड देन अपॉन एक्स कर लीजिए, तो आ गया 4.807 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. ये खत्म, एक ही ऑप्शन है ए, क्लियर है, यस यस चलेगा. अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. समझ में तो आ रहा है बच्चों, समझ में तो आ रहा है, हैं बताइए. चलिए Which of the following must be true for a entropy of a pure solid to be zero Kelvin? Zero Kelvin होने के लिए क्या होना चाहिए? Temperature must be zero Kelvin. Correct है. Solid must be crystalline, osteomorphous. Correct है. Solid must be perfectly ordered. Correct है. Solid must be an element. ये गलत है. ऐसा कोई वो नहीं है. Element होना जरूरी नहीं. H2 भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. तो answer होगा 1, 2, 3. तीनों option आ जाएंगे. 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आ जाएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ वाटर इज, तो रोटेशनल सिमेट्री C2V होता है, C2V होता है तो कितनी, एक E बैठेगा एक C2 बैठेगा, यही दोनों रोटेशनल सिमेट्री, बाकी तो दोनों सिग्मा V और सिग्मा V डैश है,
ये तो रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री होते हैं, तो आंसर आ जाता है ट्रू. क्लियर. द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D स्क्वायर लैटिस, 2D स्क्वायर लैटिस का निकालना है ना. तो हमारा जो स्क्वायर बनता है वो ऐसे ही बनता है, 2D स्क्वायर लैटिस ऐसे ही होता है बच्चों, और इसी का हमें निकालना होता है. तो मैंने आपको हमेशा तरीका बताया. पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 2D है तो Z इंटू एरिया ऑफ वन स्फीयर, वन सर्कल क्योंकि 2D में है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या बना ये, तो बन जाएगा ए स्केयर. अब इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर निकालने के लिए पहले आप ये देखिए. तो कंट्रीब्यूशन जब भी कभी आपको देखना हो, यहाँ पहले कंट्रीब्यूशन निकालना. यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, और टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है. तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा भाई, जो अंदर एंगल है वो है 90 डिग्री और टोटल एंगल है 360 डिग्री, कितना कंट्रीब्यूशन आ गया, 1/4. क्लियर. तो इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन ले लोगे, 1/4 ले लोगे. तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4. तो जेड की वैल्यू आ गई 1. 1 एरिया ऑफ वन सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और जो ए की वैल्यू है वो है 2R. तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4R स्क्वायर, है ना. ठीक है. और एफिशिएंसी वर्ड पूछा गया है तो परसेंटेज है. एफिशिएंसी वर्ड जब भी होता है वो परसेंटेज होता है, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देना चाहिए. चलो लेट से मैंने लिख दिया, ठीक है. तो वो आंसर आ जाएगा देखो, इनटू 100, तो हो जाएगा 100π/4. सो कितना आ गया ये, थ्री पॉइंट 314/4, कितना 78.5. सेवेंटी एट पॉइंट फाइव कितना. तो आप इसे 0.785 भी लिख दो, मैं तब भी आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज मेंशन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है. When helium atom is formed from neutrons and protons, delta m mass defect दे रखा है, is this EMU. Binding energy per nucleon कितना होगा mega electron volt में. तो जो binding energy होती है वो delta m into 931.5 mega electron volt होती है, और ये value EMU में ही होनी चाहिए. तो ये हो जाएगा 0.0301 into 931.5 mega electron volt. बस इतना ही करना था. ठीक, कितना आ जाता, 0.0301 इंटू 931.5, 28 पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं दे रखा है, तो आप 28 भी लिख सकते हैं सीधा, वो भी वैलिड है. ठीक है. और बाकी तो 28.03 तो है ही. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विल शो 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन. तो आंसर है D3. भाई ये तीन करता है क्यों, 1 2 3, तीनों के तीनों ऊपर. आपको यहाँ पे पता है थ्री थ्री अलाउड होती हैं, है ना, 1 2. क्लियर है. तो मतलब इसमें जो पहली वाली ट्रांजिशन होती है उसको आप दो जगह पे कर सकते हो, मतलब वो दो तरह से. तो इसके अंदर 3 ट्रांजिशन आपको पता है, D3 D8 D2 D7, ये सबके सब 3 ट्रांजिशन थे हाई स्पिन में. चलेगा. इसके बाद ये D1, ये तो 1 ट्रांजिशन देता है नॉर्मल केस में, ऑक्टाहेड्रल बोला है उसने, उसने वो नहीं लिया है. ठीक है. D4 हाई स्पिन, ये भी 1 देगा. D6 लो स्पिन, ये कितनी देगा, D6 लो स्पिन 1 2 3 4.
दो, तो दो ही मानते हैं इसकी, इसकी हम दो ही मानते हैं, क्लियर है, इसकी हम दो ही मानते हैं, चलेगा, तो आंसर आ जाएगा D3, D3, यस। चलिए 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 नेक्स्ट, ये सब तो जैसा डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ जी, हाँ अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको किसमें निकालनी है, सिग्मा वी निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ वी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाती है वी आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी एवरेज का स्क्वायर, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वी आरएमएस हो जाएगा 3 RT/m माइनस 8/π RT/m, क्या हो गया, तो ये आंसर आ गया, यही आंसर, क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलिए नेक्स्ट, MN6+MN5+MN4+MN3+MN2+ यहां तक जा रहा है, MN6 से MN2+ यहां तक निकाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है, 4, तो कुछ नहीं, बस 1.28 वोल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 1। आपको पता है ना वो E नॉट क्या होता है, ऐसे में Ni Ei का समेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ Ni ऐसे निकलता है, प्लस 2.9 × 1, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 1 1 1 1, सब में ही 1 है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 0.96 × 1 प्लस 1.5 × 1 डिवाइडेड बाय 4, क्या आगे वैल्यू देखिए, तो इनको जोड़ लीजिए, 1.28 + 2.90 हो गया 3.18, 3.18 + 0.96 4.14 + 1.50 4.64 4.16, चलेगा, चलेगा। अलाउड ट्रांजिशन Cl2 मॉलिक्यूल में क्या होगी, तो अलाउड के लिए आपको क्या देखना होता है, जी टू जी नहीं होगी, जी टू यू होगी, प्लस से प्लस होगी, प्लस से माइनस नहीं होगी, ठीक। तो ये दोनों तो नहीं होंगे भाई, ये तो कोई अलाउड नहीं हुई, क्योंकि ये प्लस से माइनस हो गई और ये जी से जी हो गई, Eg प्लस से पाई यू, हाँ डेल्टा लैम्डा प्लस माइनस वन, चलेगा, अलाउड है, जीरो भी अलाउड होता है, प्लस माइनस वन भी अलाउड होता है, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा 2 हो गया, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक, तो सिग्मा से पाई अलाउड होगा, अलाउड हो गया, खत्म, थर्ड आंसर, जी टू यू है, चलेगा, और जहां पे प्लस माइनस नहीं लगा होता तो उसका प्लस माइनस का कोई रूट देखना भी नहीं है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन विद XeF6+SiO2, क्या बन जाएगा, XeOF4+SiF, क्लियर, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट, यहां से पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट UO2 2+, UO2 2+, UO2 2+ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यूरेनाइल आयन बोलते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, तो इट कैन, इट इज वेरी स्टेबल टू फॉर्म मेनी कॉम्प्लेक्सेस, करेक्ट है, इट इज लीनियर ड्यू टू एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, करेक्ट है, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू U4 बाय जिंक, हाँ U4 बाय जिंक, तो भाई सही बात है, यूरेनियम ये लेके आप ऐसे कर सकते हो,
मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है? तो ये बन जाता है, तो प्लस फोर में तो कर दिया ना थिंक मेरे, तो आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों आएंगे। तो तीनों ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, वही आएगा आंसर, तीनों ऑप्शन आएंगे। यस यहाँ आ जाए, तीनों ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट, फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स द आईआर एक्टिव मोड्स आर। आईआर एक्टिव मोड्स कौन से होंगे? आईआर एक्टिव मोड्स वही होंगे जहां पे एक्स वाई और जेड होंगे, ये और ये। अगर ये इनमें से जो भी आ जाए तो ए वन हो सकता है, बी वन हो सकता है और बी टू हो सकता है। तो ए वन बी वन और वाटर मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव एंड रमन एक्टिव मोड्स, रमन एक्टिव भी चाहिए। अब रमन एक्टिव मोड आईआर एक्टिव ये हो सकते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले जो होते हैं सारे रमन एक्टिव है, जिसमें स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी वो रमन एक्टिव। तो ये सारे रमन एक्टिव है, ये सारे के सारे रमन एक्टिव हैं, और ये तीन आईआर एक्टिव। तो अब जो वाटर है, तो वाटर के जो मोड्स निकल के आते, H2O के चार मोड्स आते हैं, चार मोड्स होते हैं आपको पता है, अगर आपको याद हो तो H2O के चार मोड्स होते हैं। कौन कौन से? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, वो होता है A1, एंड एंटी सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग, और बाकी एक होता है बेंडिंग। तो यही तीन मोड्स आते हैं, ठीक। तो आंसर तो भाई दोनों आने चाहिए, ये दोनों ही सही है, कोई भी ऐसा नहीं कि एक गलत हो, सॉरी मतलब मैं इस पे मार्क्स दे दूंगा दोनों, ठीक है? तो दोनों ही है, चलेगा? नेक्स्ट, नाइट्रोजन एड्सॉर्प्शन। नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन अ सरफेस टू एक्सटेंट 1.242 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम एट पास्कल 3 and at 180 Kelvin, but at 240 Kelvin, the same amount of adsorption was received when the pressure was increased to 1.2, the enthalpy of adsorption. तो आपको ये पता ही होगा, ln k is equals to theta 1 minus theta into p, ऐसे होता है ना, ln k2 by k1 equals to delta h upon r delta t t1 into t2, यही होता है। अब K2 जो होता है, K is inversely proportional to P होता है, तो ln P1 by P2 is equals to delta H upon R delta T T1 into T2, यही होता है। तो T1 आपका ये है, तो delta H ln P1 कितना है? P1 था 350 और
किलो पास्कल, तो ये हो गया 1020 किलो पास्कल, दोनों की यूनिट सेम करते हैं, है ना। तो ये 1020 किलो पी टू हो गया इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, डेल्टा एच यहाँ रख दिया, आर ऐसे ही है, डेल्टा टी पहले टेम्परेचर था 180 केल्विन और ये 240, तो ये 60 हो गया, यहाँ पे 180 और 240, ये काट के यहाँ पे 4 आ गया, चलेगा। हमें आंसर किस में चाहिए, किलो जूल पर मोल में, हमें आंसर चाहिए किलो जूल पर मोल में। तो ये वैल्यू आ गई है डेल्टा एच की, जो वैल्यू आ गई है वो हो गई है 350 डिवाइडेड बाय, मतलब 4 R ln 4 R into 180, 180 into 4 R ln 350 डिवाइड बाय 1020, चलेगा। अब डेल्टा एच को क्या करना है, पहले तुम 720 को 0.720 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल कर दिया हमने, इंटू ln 350 डिवाइड बाई 1020 कितना होता है देख लेते हैं। ln 350 डिवाइड बाई 1020, पहले 350 डिवाइड बाई 1020 किट कर दिया, कितना का 28 ln इसको कर दिया, कितना आंसर आ गया 3.34। तो ये वैल्यू आ गई 3.3457 यानी 6, ये तो कर दीजिए मल्टीप्लाई इसको भी, क्या आ गया 3.346, 6 कर देता हूँ आसानी के लिए, 3.346 इंटू 8.314 इज इक्वल्स टू इंटू 0.72, ये 720 का किया क्योंकि 1000 से डिवाइड करके किलो जूल करना था, 40.46, तो आपको तो 5 वही देना, 40.5 किलो जूल पर, तो 40.5 क्लियर है। और ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ये लेस देन वन है ना, एक बार रुक जाइए मैंने माइनस में देखा, एक मिनट मुझे दोबारा से देख लेने दीजिए, 350 डिवाइडेड बाय 1020 इज इक्वल टू दिस 0.343, अच्छा ये तो वही आ गया, इसका ln ले लें माइनस 1.06 है, 069 यानी हाँ माइनस 1.069। अब करना है माइनस 1.069, 1.06, 1.069 इंटू 0.72 इंटू 8.31 6.39 आंसर आ जाएगा, 6.399 यानी 6 पॉइंट माइनस 6.4 माइनस 6.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, थोड़ा देख के रहिएगा इसको। अब ये लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए पहला फॉर्म TLCL, ठीक है, अच्छा ये तीन ग्राफ हैं, ये है लॉग गामा प्लस माइनस वर्सेस रूट सी। अब आपको सभी को पता है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ए जेड प्लस इनटू जेड माइनस रूट आई, तो रूट सी मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा। तो अब आपको ये करना है, तो जिसका जेड प्लस इंटू जेड माइनस ज्यादा होगा वो मोर नेगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू है जेड प्लस इंटू जेड माइनस की वैल्यू देखो 3 2 1, तो ये वाला 3 का होगा, ये 2 का होगा, ये 1 का होगा, तो 1 वाला कौन है TLCL, तो 1 2 3 बी आंसर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पता था नहीं। जिसका ज्यादा जितना ज्यादा जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव होगा उतना ही नेगेटिव उसका स्लोप होगा, क्लियर है। नेक्स्ट ये आपका MSQ रहा होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आपके डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, दैट इज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ना कर सके, रूट
ये वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर कैसा होना चाहिए? लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए, और हर्मिशियन भी होना चाहिए। तो लीनियर ही नहीं बात करता, ये लीनियर भी है हर्मिशियन भी है, तो ये लीनियर एंड हर्मिशियन ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये मोमेंटम में यूज होता है, ये एनर्जी में। आई डिवाइड ये, तो ये एंटी हर्मिशियन है। कैसा है ये? एंटी हर्मिशियन, तो ये नहीं है। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड पे क्लिक कर देना, तो और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जल्दी जल्दी खत्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द डिफ्यूजन करंट एट ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो आपको डिफ्यूजन करंट का आईडी का फॉर्मूला आना चाहिए था, है ना? इल्कोविक इक्वेशन जो है, इल्कोविक इक्वेशन जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट फ्लो। तो आईडी का जो फॉर्मूला होता है इल्कोविक इक्वेशन में, आईडी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये देखिए, ये है इल्कोविक इक्वेशन। ये आई मैक्स का होता है, ये आई मैक्स का फॉर्मूला होता है, और ये आई एवरेज का होता है। यहाँ पे मतलब वो करके 7/8 जेड डी डिफ्यूजन करंट मास टाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो रेट फ्लो पे भी डिपेंड करता ही है, ठीक। देन डिपेंड्स ऑन ड्रॉप टाइम, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर पे तो करेगी हर चीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ड्रॉप टाइम, ये गलत है, ये गलत है। ड्रॉप टाइम पे भी डिपेंड करता है, ड्रॉप टाइम पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? अब ये 2-2 था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एनर्जी लेवल इज 2-2 विद डी कॉन्फ़िगरेशन, द ऑर्डर ऑफ वेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये हटाना पड़ेगा मुझे, उसके आड़े आ गया होगा। विद डी जनरेसीज 4 and 2, तो ये है टू एनर्जी लेवल। यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, एनआई 2 है, और डी जनरेसी जो है यहाँ पे दो है, यहाँ पे 4 है। ऑर्डर ऑफ वेट ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स। तो बोल्ट्जमैन मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की अगर मैं बात करूं, तो टोटल डिवाइडेड बाय, पहले ऊपर तो एन फैक्टोरियल, टोटल एन की वैल्यू कितनी होगी? n1 इक्वल्स टू 2, n2 इक्वल्स टू 2। तो n फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल ऊपर अंदर, gi की पावर ni, gi कितना है? 2 की पावर ni यानी 2 डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इनटू दिस। यहाँ जी आई कितना है? 4, 4 की पावर 2 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। 3 और 4 रह गए, फिर 6 आ गया। क्लियर? 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो 6 × 4 × 16, (64 × 16) 24 × 60, सोलह चौके 24, 64, 6 आंसर, 16 × 32 = 38, 384। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। फिर फर्मी डिराक, FD। फर्मी डिराक में क्या होता है? GI फैक्टोरियल, GI माइनस NI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल, यस। तो GI कितना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले में GI कितना है? 2। अब दो को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? 2, बाकी आप कर भी सकते हो। तो जी आई माइनस एन आई हो जाएगा 0, और ये 2 दोनों का फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, ठीक। प्लस प्लस, अब उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 6। तो आंसर आ गया 7। तो फर्मी डिराक का WFD आ गया 7, चलेगा। और लास्ट में कौन रह गया? बोल्ट्ज आइंस्टीन। तो GI + NI - 1
फैक्टोरियल डिवाइड बाय जी आई माइनस वन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, ठीक, ये डब्ल्यू के लिए, और ये पाई आई लगा होता है मतलब हर एक स्टेट के लिए। तो पहले में जी आई कितना है, दो और दो चार, तीन का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, प्लस दो चार छः सेवन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी आई माइनस वन थ्री का फैक्टोरियल, नहीं जी आई प्लस एन आई, हाँ जी आई माइनस वन है ना, फाइव फैक्टोरियल, सॉरी फाइव का फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, यहाँ तीन आ गया, थ्री प्लस और पाँच से कट गया, चार गुना पाँच बीस, दो कट गया दस, थर्टी। सबसे ज्यादा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आया बोस आइंस्टीन और फिर आया फर्मी डिराक, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में आया 384, फर्मी डिराक में आया 7, और ये देखिए और इसमें आया 30, तो ऑब्वियसली बोस आइंस्टीन जाता बेटे, क्लियर चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, Which of the following complexes is are expected to show MLCT plan? MLCT क्या कौन होगा? MLCT वही हो सकता है जहां पे pi star pi acceptor ligands, कौन हो? Pi acceptor ligands, CO है, yes, CO है, yes, bipyridyl है, yes, ये नहीं हो सकता, तो आंसर रहेगा तीन, ठीक। नेक्स्ट, Which of the following complexes is are expected to be labile? Labile कौन होते हैं? देखो, तो ये तो हो गया D3, तो ये तो labile नहीं होगा। NiCN4 square planar, yes labile. CO D7 high spin, labile. NO2. CO+3, D6 low spin, ना inert. ये दोनों labile. Clear है जी? तो आंसर आ जाने थे ये दोनों, 60 का सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो जाएंगे, क्लियर। चलिए बस थोड़े से और आएंगे, ज्यादा परेशान, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट, इनके लिए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट न्यू स्क्वायर यही होता है, हाँ ना, बोलिए। तो देखिए क्या आएगा, बी कितना है, 0.0809 का क्यूब, 3.23.3 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां से ऐसे कर लू, 4 × 809 डिवाइड बाय 3.323.3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.08809, क्या वैल्यू आ गई? इंटू फोर ये आ गया 0.326 8 0 10⁻⁸ आएगा, क्योंकि ये 4 है ना, यस, और 809 डिवाइड बाय दिस गुणा ब्रैकेट
एक और ब्रैकेट, 809 डिवाइडेड बाय 323.3 ब्रैकेट क्लोज, का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कितना है? आंसर आ गया 2.026 इंटू 10⁻⁸। तो आंसर आ जाएगा, टू डेसिमल से पूछा, 0.2.03। क्लियर है? 2.03। तो यही फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला से ही आंसर आ जाएगा। तो सारा खेल फॉर्मूले का ही था। 2.06 करेक्ट आंसर, 2.03 करेक्ट। ल्यूमिनेसेंस ऑफ U3+ एंड Tb3+ आर Tb2, ये तो मैंने बोला है हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत काम की चीज है, ठीक है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको याद ही रखना है। देखिए एक मिनट इसको बड़ा कर दें, खत्म हो रहा है, बस बस खत्म होने जा रहा है बच्चा, परेशान नहीं होना। हाँ तो आंसर है ये 7F6, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो 7F0, 5D0 टू 7F0, 5D4 टू 7F0, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, यही क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है? ये अच्छी चीज है, बाकी हम निकालने तो निकाल ही सकते हैं पर याद रखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ऑल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ H2 आर रमन एक्टिव, करेक्ट है, करेक्ट। CH4 एंड SF6 आर रमन रोटेशनल एक्टिव, इनकरेक्ट, क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रमन रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव लिखा है। वन वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 इज रमन वाइब्रेशनल एक्टिव एंड रेस्ट आर IR एक्टिव, करेक्ट। देखो पहली बात तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो रमन एक्टिव है, ए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो है वो IR एक्टिव है, तो ये तो करेक्ट है। H2 इज बोथ माइक्रोवेव एंड IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, ये भी करेक्ट है, तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है? Which of the following statement is incorrect? Oxygenase is catalyzed. Oxygenase is catalyzed the insertion of one or both oxygen atom derived from O2 into organic substrate. Correct है जी, monooxygenase catalyze insertion of one oxygen atom into the other oxygen atom to reduce, while the other oxygen atom is reduced to H2O. Correct है जी, dioxygenase is catalyzed the incorporation of both oxygenase atom. Correct है, ये भी correct है, ये तो बातें सारी correct है, अभी कौन सी incorrect है? अच्छा चौथी आएगी। Most oxygenases contain Fe and rest contain zinc. गलत है जी। Zinc कहाँ? वो निकल विकल ये सब कुछ भी contain करते हैं ना oxygen, methane, oxygenase ये सब कुछ जो भी होते हैं। तो ये नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। Pb2+ एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ फॉर Pb2+ एंड C। एम्पीरोमेट्रिक में होता है जिसमें हम करंट मेजर कर रहे होते हैं। अब आपको पता है Cr2O- जो होता है ये रिडॉक्स एक्टिव होता है। रिडॉक्स क्या होता है? एक्टिव। जब तक ये रहेगा करंट रहेगा, तो जैसे जैसे आप लेड प्लस टू बन के ये बनता जाता है तो करंट कम होता जाएगा और उसके बाद लेड प्लस टू आ जाएगा, है ना लास्ट में। तो धीरे धीरे क्या होगा, तो जैसे जैसे मतलब शुरुआत में Cr2+ Cr2O7-2- होगा, तो इसमें जो लेड प्लस मिलके ये बनाता रहेगा ये। अब ये जो चीज बन रही है ये तो रिडॉक्स इनएक्टिव है, तो जब रिडॉक्स इनएक्टिव है तो ये तो कुछ नहीं करेगा, पर धीरे धीरे अभी ये तो आके कंज्यूम हो जाएगा, ये कंज्यूम होकर ये बनाता जाएगा और ये कम होता जाएगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो करंट डिक्रीज करेगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो यानी ऐसे वैल्यू यहां तक आ जाएगी, उसके बाद लेड प्लस टू चला जाएगा। अब जब लेड प्लस टू है ये भी रिडॉक्स एक्टिव है, रिडॉक्स एक्टिव होता है ना, इसका रिडक्शन हो सकता है ना ये, तो इसके बाद फिर से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपका ये ग्राफ बन जाता है। तो कोई भी जो चीज रिडॉक्स एक्टिव स्पीसीज डलती है वो हमेशा करंट को बढ़ाती है। तो पहले पहले रिडॉक्स एक्टिव स्पीसीज जो थी वो क्रोमेट थी, डाइक्रोमेट थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे जैसे वो कम होती गई तो आपका करंट कम होता गया, फिर जब वो पूरा कंज्यूम हो गया उसके बाद ही लेड डलेगा, पहले तो लेड यूज हो रहा था उसको रिएक्ट करने के, फिर बाद में जब लेड डलेगा वो उसको बढ़ा देगा करंट को, इसीलिए आपका आंसर ये आ जाता है। अगर कोई ऐसी स्पीसीज होती जो रिडॉक्स इनएक्टिव डल रही होती तो करंट आपका कांस्टेंट आता, पर अभी नहीं, अभी ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है? तो इस तरह बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ध्यान से अच्छे से कीजिए,
अपने क्वेश्चंस को जितने अच्छे से जितने आराम से हो सके उसको करने की कोशिश करिए और पूरा फायदा उठाइए। कल के लिए जो डिस्कशन है वो हम शाम को लेंगे, बात करते हैं उसकी, ठीक है? तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशंस में, ख्याल रखिए।